दोस्तों, फिल सॉल्ट जो खुद एक रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम केकेआर में आए थे, अब केकेआर ढूंढ रहा है उनकी रिप्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, फिल सॉल्ट अब ऑफिशियली रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल 2024 से। ना कोई इंजरी, ना कुछ वर्कलोड, बात करें तो नेशनल टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं फिल सॉल्ट। और ये वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर दोस्तों उनके स्क्वाड का मीटअप हो रहा है, सीरीज वगैरह जो भी है सब डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता होगी, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बात करें तो अब बड़ा सवाल उठता है कि फिल सॉल्ट, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा और काफी सारे प्लेयर्स तो जा चुके हैं, जैसे विल जैक्स हैं, रीस टॉपले हैं, और यहां पर दोस्तों अब इशू की बात आरसीबी के लिए तो है ही, बट टीम केकेआर के लिए भी अब एक बड़ा इशू निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बात करें तो विल जैक्स के जाने से जैसे आरसीबी को झटका लगेगा, उतना ही बड़ा झटका टीम केकेआर को फिल सॉल्ट के आने से लगेगा, क्योंकि फिल सॉल्ट के आने के बाद टीम केकेआर ने जो तहलका मचाया है ना, वो तो पॉइंट्स टेबल ही दर्शाता है। बट अब यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज उनकी जगह ले रहे हैं, ये सीधी सी और क्लियर आउट बात है। चाहे तो गौतम गंभीर के पास और भी ऑप्शन है, केएस भरत को ऊपर खिलाकर नीचे रदरफोर्ड ला सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तीन ओवरसीज के साथ खेल सकते हैं, तो बहुत सारे यहां पर विकल्प हैं। बट टीम अब इस स्टेज के ऊपर आ चुकी है कि यहां पर है ना एक्सपेरिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब टीम केकेआर का एक आखिरी मुकाबला बचा है, भी रीसेंट मुकाबला तो धुल गया जो कि फिल सॉल्ट खेलते, बट अब टीम केकेआर के लिए कोई भी मुकाबला 2024 के लिए फिल सॉल्ट नहीं खेलेंगे। तो रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए अब एक मौका है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो उन्हें राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक मुकाबला मिलने जा रहा है, जो कि ऑफिशियली आईपीएल 2024 और केकेआर का भी लास्ट लीग मुकाबला होगा। साथ ही साथ बात करें तो इनके लास्ट लीग मुकाबले के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज के पास एक अच्छा मौका तो है फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उसके बाद उनके पास प्लेऑफ्स भी होने वाले हैं, टीम केकेआर क्योंकि अब टॉप टू में कंफर्म हो चुकी है, तो उनको एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों फिल सॉल्ट वर्सेस यहां पर दोस्तों जो बची हुई टीमें थी, अब रहमानुल्लाह गुरबाज वर्सेस बची हुई टीमें होने वाली है। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लगता है फिल सॉल्ट ने जो कारनामा करके दिखाया, रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत कम टाइम में बहुत कम मैचों में वो टीम केकेआर के लिए कर पाएंगे या फिर नहीं, और टीम केकेआर क्या चैंपियन बन रहा है। अगर आपको भी भरोसा है तीसरी बार चैंपियन बन रहा है, तो ये वीडियो तीन लोगों के साथ शेयर करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।